हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो देखो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में किसे कहते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। गाइस, तो आखिर तक वीडियो को वॉच कर लेना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानने के लिए। तो देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुकॉइन एक्सचेंज पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो आने के बाद यहाँ पर मैं आपको बिटकॉइन का जो चैट होता है, कैंडल चैट, तो उस पर यहाँ पर ओपन कर दूंगा। तो यहाँ से मैं बिटकॉइन का चैट को ओपन कर लेता हूँ। तो चैट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, शुरुआत से शुरू कर लेते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को पता है बहुत कुछ, लेकिन मैं यहाँ पर शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस जो जीरो नॉलेज, एकदम बिगनर, जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, तो उसी से स्टार्ट करूँगा, ताकि मेरा हर एक यूजर्स को अच्छी तरीके से समझ में आए। और एक बात, मैं यहाँ पर टेक्निकली बात ज़्यादा नहीं करूँगा, जितना हो सके सिंपल और सीधे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो चाहे लंबा हो, लेकिन इस वीडियो को आपको हर एक चीज़ जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ लाइन है, इस लाइन के टेक्निकली लैंग्वेज पे इसको कैंडल स्टिक कहा जाता है, ठीक है। ये जो एक एक लाइन होता है, इसको इस लाइन को कैंडल स्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो एक कैंडल, दो कैंडल, थ्री कैंडल, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से समझो, ये जो कैंडल होता है, कैंडल का भी एक टाइम फ्रेम रेट होता है। मेरा बोलने का मतलब, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, 8 आवर्स 8 घंटे, एक दिन पे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक दिन पे फिलहाल है। तो एक एक कैंडल का टाइम, उसका मीनिंग होता है एक कैंडल एक दिन में बन जाएगा। देखो हर एक कैंडल को मान के चल, तो मैं ये जो कैंडल है, तो हर एक कैंडल कंप्लीट होने के बाद दूसरा कैंडल जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कैंडल कंप्लीट हो गया इस जगह पे, उसके बाद दूसरा कैंडल शुरू हुआ, उसके बाद तीसरा और एक चौथा रनिंग पे है, ठीक है। तो हर एक कैंडल एक समय के बाद कंप्लीट होता है। तो जितना टाइम लगता है कैंडल को कंप्लीट होने में, तो उसको टाइम फ्रेम रेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो एक हफ्ते के बाद देखो मोड्स पे आऊँगा, तो और भी टाइम फ्रेम रेट है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट्स, जो 1 घंटा है, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा 4 घंटा। तो यहाँ पर अगर मैं 4 आवर्स या फिर 4 घंटे पे प्रेस करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पर और ज़्यादा कैंडल यहाँ पर आ गया, जहाँ पर एक कैंडल बनने में एक दिन लग रहा था जब मैं ऑन डे पे यहाँ पर था टाइम फ्रेम रेट, वहाँ पर वैसे बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर 4 घंटे पे प्रेस किया, तो एक कैंडल को बनने के लिए आपको 4 घंटे की ज़रूरत है। जिसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि एक कैंडल को कंप्लीट होने के लिए 4 घंटे ज़रूरत होगा। एक कैंडल 4 घंटे के लिए यहाँ पर अप डाउन होता जाएगा, जैसे 4 घंटे कंप्लीट हो जाएगा, तो गाइस एक कैंडल क्लोज हो जाएगा, दूसरा कैंडल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मैं अगर यहाँ पर 15 मिनट पे प्रेस करूंगा, तो हर एक कैंडल 15 मिनट बाद यहाँ पर नया नया कैंडल स्टार्ट होगा। 15 मिनट के लिए एक कैंडल चलेगा, अप डाउन होगा, उसके बाद फिर से एक दूसरा कैंडल बनेगा 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम रेट चलते हैं, ठीक है। तो आई होप टाइम फ्रेम रेट और कैंडल को किस तरीके से यहाँ पर चलते हैं, मूविंग करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। टाइम फ्रेम रेट जो यहाँ पर सिलेक्ट होगा, उसी जो कैंडल का भी वही टाइम फ्रेम रेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करूंगा यहाँ पर कैंडल के डिटेल्स के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पर ऑन डे पे मैं चला जाता हूँ, ऑन डे के टाइम फ्रेम पे मैं कैंडल को यहाँ पर देखूंगा। तो ऑन डे पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो हर एक कैंडल पे मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे कुछ डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं ये जो ग्रीन वाला, लास्ट ग्रीन वाला, रेड वाला नहीं, लास्ट ग्रीन वाला कैंडल पे जैसे ही प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर अगर गौर से देखोगे, तो गाइस यहाँ पर राइट साइड पे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ गए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो डिटेल्स पे पहले है टाइम और डेट, ठीक है। तो इस टाइम और डेट पे मैंने एरो पे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 2023 का, इस साल का जनवरी 14 तारीख का है, ठीक है। तो ये 14 तारीख का कैंडल था, कल का कैंडल था, तो 5:30 बजे ओपन हुआ था, ठीक है। डेली वाला जो कैंडल है, हर सुबह 5:30 बजे, आज सुबह 5:30 बजे जो कैंडल अभी रेड पे चल रहा है वो ओपन हुआ था, और कल सुबह 5:30 बजे एक क्लोज होगा 24 घंटे के बाद, क्योंकि ये एक डे का, ऑन डे का कैंडल्स है, ठीक है। तो ये उसका डेट है, टाइम है कि कौन सा टाइम्स पे कैंडल ओपन हुआ था। उसके बाद आते हैं ओपन, कि जो कैंडल जब ओपन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तब उसका प्राइस कितना था। अभी फिलहाल बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हो, $20,931, जिसका मतलब $20,900 के आसपास, ठीक है।
$20,900 अभी चल रहा है, लेकिन कैंडल जब ओपन हुआ था तो $19,900 यहाँ पर था, $924 था। तो उसके बाद हाई कहाँ पर गया था, देखो मान के चल तो इस जगह पे प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है, ये था पिछला वाला कैंडल्स। तो पिछला वाला कैंडल के बाद इस जगह पे बिल्कुल इस पॉइंट आउट पे जहाँ पर 3 एरो था, उस जगह से स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था। और हाई कहाँ पर गया देखो, लेफ्ट साइड पर फॉलो करोगे तो हाई पहुँचा था $21,325 तक, जो मैं यहाँ पर सर्कल करके यहाँ पर दिखा दूंगा, तो देख सकते हो ये जो जगह है, ठीक है, इस जगह तक हाई पहुँचा था। अगर यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो $21,325 तक ये टच हुआ है, होने के बाद फिर से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे फिर से लेफ्ट वाला डिटेल्स पे, हाई कितना था 21,325, उसके बाद लो कहाँ पर था, यहाँ पर 19,800। लो का मतलब, मेरा बोलने का मतलब, लो ए जो स्टार्ट हुआ, आप जब हुआ तो डाउन भी ज़रूर हुआ था, डाउन ज़्यादा नहीं गया था, 19,900 पे स्टार्ट हुआ था, ओपन 19,800, तो $100 नीचे गया था। ये जो नीचे वाला लाइन छोटा सा देख सकते हो, यहाँ तक नीचे गिरा, तो ठीक है, तो ये लो बता रहे हैं $19,800 तक यहाँ पर नीचे गिरा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लोज, तो क्लोज कहाँ पर हुआ, इस जगह पर देख सकते हो क्लोज हुआ है $20,950 के आसपास, ठीक है, $20,950 पे ये क्लोज हुआ था। क्लोज का मतलब, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये स्टार्ट इस पॉइंट पे हुआ तो क्लोज इस पॉइंट पे हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग इस पॉइंट पे हुआ है, क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुआ है। और एक बात, यहाँ पर आपको हाई और लो की मार्जिन को नहीं ध्यान में रखना है, बस आपको ओपन और क्लोज का ध्यान रखना है कि कैंडल ओपन कहाँ पर हुआ था और क्लोज कहाँ पर हुआ, ठीक है। मार्केट जब ओपन हुआ था, सॉरी कैंडल जब ओपन हुआ था तो कौन सा प्राइस था, कितना वो उसका वैल्यू था, और जब क्लोज हुआ तो क्या वो नीचे गिरते हुए क्लोज हुआ या फिर ऊपर उठते हुए क्लोज हुआ, तो ये सब बस आपको ध्यान में रखना है। ये अगर 19,900 पे ओपन हुआ था तो 21,325 लगभग $1,000 ऊपर उठा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर भी सब कुछ लिखा है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे $1,023 यहाँ पर ऊपर उठा, जिसका परसेंटेज के हिसाब से 5% यहाँ पर बिटकॉइन ने अप गया है, ठीक है, ऊपर उठा है 5% ऊपर उठा, $1,000 जब ऊपर उठा है तो उसका परसेंटेज के हिसाब से 5% अप गया है, ठीक है। तो अगर आप इस पर ₹100 लगाते तो यहाँ पर आपको क्या 5% के हिसाब से ₹5 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, अगर ₹1,000 लगाते तो ₹50 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली यही था फंडा। अब मैं बात करूँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो देखो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, देखो सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पर प्राइस को सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट दिया जाता है कहाँ पर, एक मैं पॉइंट फिगर आउट करता हूँ आप लोगों के लिए, देखो सपोर्ट का मतलब जिस जगह पे प्राइस को सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं अगर डिटेल्स पे समझाऊँ, देखो मार्केट मान के चलो यहाँ पर मार्केट गिरते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर गिर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक लिया था, ऊपर उठा था, फिर से यहाँ पर इतना नीचे गिर गया, तो गिरने के बाद मार्केट देखो फिर से ऊपर उठा है, ठीक है। तो देखो मार्केट जब नीचे गिरता है तो नीचे गिरते गिरते एक ऐसे टाइम आ जाता है जहाँ से मार्केट यहाँ पर रुक जाता है और फिर से ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो अच्छा होगा। तो देखो ये जो मैंने ड्रॉ खींचा, ठीक है, नीचे वाला जो लाइन है ये है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, नीचे वाला लाइन सपोर्ट और ऊपर वाला जो लाइन है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंट। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रिजेक्ट मिलना, ठीक है, रेसिस्ट करना, किसी भी चीज़ को रेसिस्ट करना का मतलब होता है कि वहाँ से वो रिजेक्ट कर रहा है, धकेल रहा है, ठीक है, प्राइस को धकेल रहा है नीचे की तरफ कि भाई आप ऊपर उठ नहीं सकते। अभी मैं डिटेल्स में बताऊँगा क्यों नहीं उठ सकते। और सपोर्ट का बात जो मीनिंग होता है कि इसको यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, तो सपोर्ट देने का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस को ऊपर उठा रहा है, ऊपर पर धकेल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल्स पर जा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। देखो अभी बिटकॉइन का जो प्राइस $20,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर गिर रहा है। गिर रहा है किस लिए, क्योंकि मार्केट से पैसे जा रहा है बाहर। देखो बेसिक सा चीज़ है, अगर मार्केट पे पैसे आएगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा,
अगर मार्केट से पैसा चला जाएगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ये था मेन फंडा। इसको समझ लो तो गाइस आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। देखो मार्केट पे जैसे ही पैसे आएगा, मार्केट ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब एक ही चीज़ है कि मार्केट पे परचेस हो रहा है, बिटकॉइन को लोग खरीद रहा है, बिटकॉइन को बाई कर रहा है, मार्केट पे पैसे आ रहा है, बिटकॉइन लेकर पैसे ही तो दे रहा है ना, तो पैसे आ रहा है मार्केट पे तभी मार्केट ऊपर उठ रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है इसका सिंपल सा लॉजिक है, बिटकॉइन लोग बेच रहा है, ठीक है, किसी भी रीज़न पर हो सकता है, चाहे उसको प्रॉफिट बुक करना है, चाहे उसके ज़रूरत है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे बिटकॉइन को बेचकर वो दूसरा किसी कॉइन को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मेन फंडा है यहाँ पर मार्केट से पैसे जा रहे हैं। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ठीक है, और ऊपर उठ रहा है तो इसका मतलब मार्केट पे पैसे आ रहा है। तो सपोर्ट का फंडा यही है कि सपोर्ट एक पार्टिकुलर जगह पे, देखो मार्केट अब $20,800 पे है, लेकिन किसी किसी आदमी, मान के चलो कुछ इंसान लोग या फिर कुछ व्हेल्स किसको कहा जाते हैं, छोटा सा 10 सेकंड के अंदर मैं बता देता हूँ, व्हेल्स उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास बहुत सारा अमाउंट से, बहुत सारा क्वांटिटी के, मेरा मतलब क्वांटिटी का मतलब बहुत सारा बिटकॉइन से, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट से एक ऐसे जगह पे, मान के चलो $20,800 बिटकॉइन का प्राइस है, तो 16,000 17,000 या फिर 20,000 फिर 19,000 पे वो बाई करेगा कि 19,000 पे बिटकॉइन जैसे आएगा मैं 1,000 बिटकॉइन खरीद लूँगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिर बाइंग ऑर्डर सेट किया जाता है, जो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस तरीके से बाइंग करते हैं। तो मान के चलो 19,000 पे वो बाइंग ऑर्डर ऑलरेडी सेट करके रखा है कि जैसे बिट मार्केट गिरते गिरते 19,000 पे आएगा तो एक साथ में थाउजेंड्स बिटकॉइन या फिर हज़ारों बिटकॉइन यहाँ पर मैं खरीद लूँगा। तो हज़ारों बिटकॉइन, अगर एक बिटकॉइन का कीमत 20 लाख रुपीज़ है, तो अगर 1,000 बिटकॉइन खरीदा जाएगा तो आप सोच लो कितना करोड़ रुपीज़ मार्केट पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर 50% तो आप समझ ही गए होंगे कि सपोर्ट एक ऐसा जगह जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, मान के चलो उस जगह पे बहुत सारा वॉल्यूम, बहुत सारा यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है, एक साथ मान के चलो 20,000 50,000 बिटकॉइन से फिर करोड़ों रुपीस का बिटकॉइन से फिर बाई हो रहा है, खरीद रहा है लोगों ने, ठीक है, चाहे 10 लोग भी खरीद सकता है, चाहे 100 लोग भी खरीद सकता है, चाहे 2 व्हेल्स, अगर एक एक अगर व्हेल्स की बात करूँ तो एक एक व्हेल्स के पास जो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइन से हज़ारों बिटकॉइन पड़े हुए हैं, तभी उन लोगों को व्हेल्स कहा जाता है, ठीक है, तो ये उनके पास अरबों रुपीस है, तो मार्केट पे जहाँ मर्जी वहाँ पर बाई कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट गिरते गिरते तो लोग मान के चलो यहाँ पर बेच रहा है, सेल कर रहा है, सेल करते करते गिरते गिरते एक ऐसा जगह है वहाँ पर एक व्हेल से फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे अमाउंट्स बाई कर लिया, तो वहाँ पर मार्केट सपोर्ट मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मार्केट पे पैसे आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा सपोर्ट का फंडा, जहाँ पे बिटकॉइन ज़्यादा बाई होता है जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, तो वहाँ से मार्केट बाउंस लेते ऊपर की तरफ, तो उसको सपोर्ट कहा जाता है। और रेजिस्टेंस बिल्कुल उसका उल्टा, देखो जो लोग नीचे बाई करेगा तो ऑफकोर्स वो प्रॉफिट बुक करने के लिए कोई ना कोई जगह तो ज़रूर बेचेगा, तो जिस जगह पे बेचता है वहाँ से मार्केट से पैसे चला जाता है, तो मार्केट से पैसे जैसे ही चला जाएगा बिल्कुल मार्केट को नीचे धकेल देगा उस जगह से, ठीक है, तो उस जगह को रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिस जगह पे व्हेल्स या फिर आदमी लोग बैठे हुए होते हैं कि इस जगह पे जैसे मार्केट आएगा, मान के चलो यहाँ पर 19,000 पे बिटकॉइन खरीदा, जैसे ही 22,000 पे जाएगा तो वहाँ से बिटकॉइन को बेचना स्टार्ट कर देगा, तो जैसे ही बिटकॉइन को बेचना स्टार्ट कर देगा तो उस जगह से बिटकॉइन का प्राइस फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था मेन फंडा, मैं इससे ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं बता सकते वीडियो, वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ आ गया। जिस जगह से प्राइस उठता है सपोर्ट मिलता है उसको सपोर्ट कहता है, जिस जगह से प्राइस को नीचे धकेल दिया जाता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। और एक बात डिटेल्स पे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं उठ रहा है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर गिरा तो है, ऊपर उठा रिजेक्ट मिला, ठीक है, इस जगह से रिजेक्ट मिला नीचे आया, फिर से यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर से ऊपर उठा, फिर से यहाँ से एक धक्के से नीचे आ गए। ये क्यों? क्योंकि देखो जब मार्केट पे बहुत बुरी न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर थोड़े दिन पहले रशिया यूक्रेन का वॉर था, इंटरनेशनल मार्केट पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या फिर बुरी न्यूज़ आता है तो कोई भी सपोर्ट यहाँ पर
सपोर्ट नहीं कर पाता, यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगा कि अमेरिका ने ये कर दिया, रशिया ने ये अच्छी चीज़ कर दी, तो गाइस यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस उसको रोक नहीं सकते। जैसे बुरी न्यूज़ पर कोई भी सपोर्ट यहाँ पर काम नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही अच्छी न्यूज़ पर रेजिस्टेंस भी काम नहीं करता, ठीक है। तो ये था पहले बात, ठीक है। और सॉरी दूसरी बात है कि एक सेकेंड, दूसरी बात है कि ये मान के चलो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, क्योंकि इस जगह से प्राइस तो बार बार नीचे आ रहा था, ठीक है, और इस जगह से उठ रहा था। तो और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर सपोर्ट किसे कहते हैं जहाँ से प्राइस रुकते हैं फिर से ऊपर उठने स्टार्ट कर देते हैं, बाई चांस सपोर्ट को ब्रेक करके, जैसे इस जगह पे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, ठीक है, तो जैसे सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस से चेंज हो जाता है, ठीक है। सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो ये जो लाइन है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन पहले सपोर्ट था जो सपोर्ट कर रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि सपोर्ट के नीचे जो प्राइस या फिर मार्केट आ गया, एक बार लाइन के नीचे आ जाता है, सपोर्ट के नीचे अगर आ जाता है तो सपोर्ट वाला लाइन या फिर सपोर्ट वाला जो पॉइंट जगह था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर फिर से इस प्राइस पे मार्केट उठने की कोशिश करेगा तो यहाँ से फिर से आपको धकेल देगा नीचे की तरफ, क्योंकि जो प्राइस जो पॉइंट यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा था या से यहाँ पे आते ही ऊपर धकेल रहा था, आप वो बिल्कुल चेंज होकर वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप फिर से जब आप इस जगह पे आने की कोशिश करेगा मार्केट या फिर जो कैंडल चार्ट, तो यह सिर्फ बिल्कुल चांसेस है 90% मार्केट नीचे की तरफ धकेल देना का देने का, ठीक है। जब तक ना एक अच्छे तरीके से मोटे रकम पे बिटकॉइन को बाय कर ले या फिर एक अच्छी गुड न्यूज़ आ जाता है, तब तक ये ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो भी हो, और बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़, अगर किसी भी रेजिस्टेंस ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ऊपर वाला मान के चलो रेजिस्टेंस, अगर मान के चलता हूँ कि किसी भी कारण एक गुड न्यूज़, एक अच्छा गुड न्यूज़ आ जाते हैं और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, ब्रेक करने का मतलब तोड़ के, भी रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पर मार्केट ऊपर उठ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट अब से ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके ऊपर उठ जाता है, तो मार्केट जैसे ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल नीचे जब अगर आएगा भी, अगर नीचे बाई चांस बिटकॉइन आ जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो नीचे की तरफ धकेल रहा था वो अब ऊपर की तरफ उठा देगा, वो अब सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उल्टा चीज़ होता है ब्रेक करने पर, आई मीन तोड़ने के बाद बिल्कुल उल्टा चीज़ हो जाता है, जो चीज़ जो सपोर्ट आपको ऊपर की तरफ धकेल रहा था नीचे गिरते गिरते, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर उसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस बिल्कुल उसका उल्टा, जो आपको पहले नीचे की तरफ धकेल रहा था, अगर उसको एक बार तोड़ के ऊपर की तरफ मार्केट उठ जाता है, तो बेसिकली उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद जो रेजिस्टेंस आपको नीचे की तरफ धकेल दिया था, ये जो लाइन, एक बार उसको तोड़ के ऊपर उठ जाएगा, तो नीचे जब मार्केट आएगा तो यहाँ से फिर से ऊपर इतना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर उठना, ठीक है। ये था मेन फंडा। तो अब बात करता हूँ मैं मेन फंडे के बाद कि कहाँ पर आपको पैसे लगाना है। देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेड की, अगर स्पॉट ट्रेड की बात करूँगा तो यहाँ पर देखो आपको एक ऐसी सपोर्ट ढूंढना है कि कौन सा जगह पे आपको लगता है कि यहाँ पर प्रीव्यूज, देखो आपको पहले चार्ट का पहले यहाँ पर हिस्ट्री देख चेक करना है कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको उस सपोर्ट वाला एरिया पे आपको परचेस करना है, बिटकॉइन को बाई करना है। और जहाँ पर रिजेक्ट मिल रहा था, फॉर एग्जांपल देखो इस जगह पे बिटकॉइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, तो इस जगह पे देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो यहाँ पर आया है, और ऑलरेडी जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा था, देखो ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया है, और बिल्कुल इसी तरीके से कल इस तक उठा था मार्केट, और यहाँ तक उठने के बाद एक रिजेक्ट मिल रहा है छोटा सा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करूँगा तो यहाँ से देख सकते हो एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, ओके। तो यहाँ से चांसेस तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन मिले या फिर रिजेक्ट मिले,
तो अगर इससे यहाँ से रिजेक्ट मिलता है तो आपको बाय कहाँ पर करना है, बिल्कुल सपोर्ट वाला एरिया। देखो ये जो एरिया है, इस एरिया से बिटकॉइन को पहले भी सपोर्ट मिला, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर उठा, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर उठ रहा है। और एज ए यहाँ पर पूरा का पूरा डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर मार्केट ज़्यादातर केस पे ऊपर ही उठता है और रेजिस्टेंस तक ऊपर उठता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया, मुझे लगता है यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो अगर नीचे यहाँ तक गिरते हैं तो यहाँ इसके आसपास जो एरिया बन जाता है यहाँ पर 16,800 या फिर 500 के आसपास आपको यहाँ पर खरीद लेना चाहिए बिटकॉइंस को। तो ये कोई एडवाइज़र नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो मैं तो यहाँ से यहाँ के आसपास जो 16,500 के आसपास यहाँ पर मैं बिटकॉइन को बाई करूँगा। तो बिल्कुल सपोर्ट वाला एरिया पर आपको बाई करना है, और जहाँ पर प्राइस हिस्ट्री पे, मेरा मतलब इससे पहले जहाँ पर प्राइस को रिजेक्ट मिला था, जहाँ पे प्राइस को धकेल रहा था, वहाँ पे आपको ऑलरेडी सेल आउट कर देना, बेच देना है। सपोर्ट वाला एरिया पे आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस वाला एरिया पे आपको बेच देना है। बस यही था फंडा। चलो यार, और एक बात, मैं यहाँ पर शॉर्ट्स पे पैटर्न डालूंगा, डब्लू पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, तो डब्लू बनने के बाद जो है मार्केट ऊपर उठता है या नहीं। तो ये सब चीज़ बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बस आपको फंडामेंटली कुछ मार्केट के न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है। और टेक्निकली बहुत ही आसान चीज़ है गाइस, यहाँ पर टेक्निकली इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत मुश्किल है अंदाज़ा लगाना, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी वाइज चलोगे, देखो यहाँ पर इसको गैम्बलिंग फिर जुआ की तरह मत लो, ठीक है। मैं मानता हूँ शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, और ऑफकोर्स यहाँ पर पैसा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपको इसको एज ए गैम्बलिंग जुआ की तरह नहीं लेना है। आँख बंद करके यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना है, बस आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ड्रॉ खींचना है, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पर गिर रहा है, गिरते गिरते कहाँ पर रुक रहा है और कहाँ से बाउंस बैक ले रहा है, मार्केट का सिचुएशन कैसा है अभी, जो मार्केट की न्यूज़ कैसा है, नेगेटिव न्यूज़ है या नहीं, बाहर कहीं पे इंटरनेशनल मार्केट पे वार वगैरह कुछ भी नेगेटिव चीज़ चल रहा है नहीं, ठीक है। सब कुछ को फॉलो करना है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर, अगर आप ट्रेडिंग चार्ट एनालाइज करना सीख जाओगे बॉस, तो यहाँ पर तो आपको 70% काम यहीं पे हो गया, बाकी का 30% फंडामेंटली आपको न्यूज़ को फॉलो करना है। बस अच्छी चीज़ पे ट्विटर पे फॉलो करना, मैं यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तीन चार मैगजीन या फिर तीन चार हैंडल को यहाँ पर फॉलो कर लेना, वहाँ से ही आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गाइस। बस मैं चाहता हूँ मैं जैसे अर्न कर रहा हूँ, आप लोग भी अर्न करो, ठीक है। मेरे दोस्त लोग अर्न कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पर सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोगों को अगर हेल्प मिलेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, वीडियो को लाइक मिल जाएगा, बस यही चीज़ है। तो ऐसा वैसा नहीं कि कुकॉइन पे रेफर करेगा, कुकॉइन पे कोई लोग साइन अप करेगा तो इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। मैं बस चाहता हूँ अर्निंग रिलेटेड मेरा यहाँ पर चैनल है। तो पहले मैं अमेजोन पेटीएम को इस तरीके का वीडियो डालता था, तो उससे अभी तो देखो अभी मार्केट पे बहुत अच्छा ऑफर्स नहीं चल रहा है, ठीक है। और ट्रेडिंग करके बहुत मेरा बहुत फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, मैं खुद अर्न कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स लोग या फिर मेरे यूज़र्स लोग भी इसका मजा ले, ठीक है। तो ट्रेडिंग आपको सीखना है, मैं इसके ऊपर इसके रिलेटेड आगे भी वीडियो डालते जाऊंगा, रनिंग रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाते जा रहा हूँ। दो वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास, मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो अगर चैनल पे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल पे जुड़े रहना, चैनल वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।